नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है डॉक्टर रतनलाल, जो कि बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमसे बात करेंगे कि ज़्यादातर लोग राजनीति में आते हैं समाज की सेवा करने के लिए, लेकिन आते ही भ्रष्ट हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजसत्ता का खेल ही कुछ ऐसा होता है, लेकिन ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग ईमानदार लोग भी रहे हैं और ईमानदार लोग ने ही कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे बाबा साहब हों, कर्पूरी ठाकुर हों, कांशीराम जी हों, बीपी मंडल साहब हों। जो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं तो इतिहास के गर्त में चले जाते हैं, उन्हें इतिहास याद नहीं रखता है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से राजनीति को सेवा समझते हैं और सेवा करते हैं, वैसे ही लोगों को समाज इतिहास याद रखता है और वैसे लोग ही महान बनते हैं। तो ठीक है, चलता रहा है राजसत्ता के साथ, तो ये लीला हर समय रही है कि भाई जो राजा होते हैं, वो राजाओं के पास पैसा है, इतना शान शौकत कहाँ से आएगा, तो जनता के खून का पैसा ही चूसा हुआ रहता है। तो यहाँ भी है, लेकिन जो लोग दबे कुचले दलित शोषित पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो कम से कम ईमानदारी होकर, कम से कम फूले साहब, साहू जी महाराज, बाबा साहब, कांशीराम, कर्पूरी ठाकुर, मंडल साहब, इनकी पूरी परंपरा को ईमानदारी से निभाए। क्योंकि 85% जो बहुजन पॉपुलेशन है, उसमें से ज़्यादातर लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये तो शायद, देखिए, हम लोग लोकशाही में रहते हैं और लोकशाही में जो सब लोगों के मुकद्दर का फैसला संसद में ही होता है, तो संसद में जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह का रिफ्लेक्शन आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार लोग आने चाहिए, बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले लोग आने चाहिए, जो समाज की बारीकियों को समझे, समाज के मुद्दों को समझे, क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है समझे, तभी जाके समाज विकास करेगा। राष्ट्र जो है समाज से बनता है, लोगों से बनता है। तो जब जिस देश में, जिस मुल्क में लोग ही सुखी ना हों, वही परेशान रहे, तो देश कैसे सशक्त बन सकता है। सवाल है कि ये सारे सवाल जो आप पूछ रही हैं, इसका संदर्भ तभी तो पूछा जा रहा है कि जब संविधान बनी थी तो संविधान का क्या प्रियम्बल कहता है, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता। लेकिन इतने लंबे समय में हम हासिल नहीं कर पाए हैं, और वो छोड़िए पिछले कुछ वर्षों में, तो जिस तरीके से महिलाओं पे और विशेष रूप से दलितों और मुसलमानों पे और पिछड़ों पे भी इस सरकार आने के बाद और बढ़ा है, जिस तरीके से हमले हुए हैं, उनकी हकमारी हुई है, उससे तो लगता है कि शायद ये देश पूरा जो है फिर मनु के युग में वापस जाने वाला है। तो लेकिन हम क्या कहें इसमें, जो लोग आरएसएस बीजेपी की राजनीति करते हैं, जाहिर है वो अपने लिए ईमानदार होंगे कि भाई उनको मनु राष्ट्र लागू करना है, तो वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हमें अपने नेताओं से भी पूछने पड़ेंगे कि जो जिनसे आप वोट लेते हैं, भाई बीजेपी ने क्या किया, गैर संवैधानिक जनऊ आरक्षण लगा दिया 10%, तो लेकिन हमारे नेता भी उसमें समर्थन कर गए, हमारे जो दलित पिछड़े बहुजन नेता हैं वो भी समर्थन, उनको सवाल पूछना चाहिए था ना कि ये जो रिजर्वेशन है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। गरीबी उन्मूलन के और सारे कार्यक्रम सब चल रहे हैं, उनको और लाइए ना, कौन मना कर रहा है। तो इनसे हमारे नेता जो संसद में बैठे, 130-131 सांसद SC ST के हैं, बाकी OBC नेता जो हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए था संसद में कि क्या SC ST OBC का रिजर्वेशन पूरा हुआ, अगर नहीं हुआ तो उनकी हकमारी कौन कर रहा है। ये कोई इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान का आदमी तो लेकर आरक्षण उनका प्रतिनिधित्व नहीं खा रहा है, तो इसी देश के लोग उसका हकमारी कर रहे हैं ना। तो ये नेताओं से समय आ गया, उचित समय है कि अपने नेताओं से भी जनता सवाल करे। क्योंकि जैसे आप भक्ति करेंगे ना, बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949 को जब वो संविधान सौंप रहे थे देश को, तो उन्होंने कहा था कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में वो तानाशाही की ओर ले जाने वाले मार्ग होता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, उनको भी डेमोक्रेटाइज होने की ज़रूरत है। वो अपने से नहीं होंगे, क्यों अपने से उनकी व्यक्तिगत मुक्ति जो है वो क्यों छोड़ना चाहेगा। इतना समाज को जागृत होना होगा, समाज को सवाल पूछना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। जी, थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर रतनलाल जी का, जिन्होंने एसएम न्यूज़ से बात की। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।